नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जिस केमिकल के बारे में डिस्कस करने वाले, इसका नाम है AOS, जिसको फुल फॉर्म में अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट भी कहते हैं। ये मार्केट में कुछ तीन प्रकार से अवेलेबल है। लिक्विड फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है और पेस्ट फॉर्म में भी मिलता है। प्रेजेंट टाइम में इसका पेस्ट फॉर्म में भी उपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी इसका उपयोग तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसका क्यों उपयोग किया जाता है और कौन कौन से प्रोडक्ट में इसका उपयोग आप कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। और मैंने अभी प्रेजेंट टाइम लास्ट में एक वीडियो अपलोड किया हुआ था TEA के बारे में, ट्राइथेनॉल एमाइड के बारे में, जिसपे भाई साहब ने कमेंट किया हुआ था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो चीज़ शायद मैं उस वीडियो में बताना भूल गया था। उनका कमेंट था किशोर वरिया नाम है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर प्रोडक्ट बनाते समय इसे कब मिला है। जी, ये सही टॉपिक है, मैं शायद इस बात को बताना भूल गया था। आप ट्राइथेनॉल एमाइड को प्रोडक्ट बनाते समय न्यूट्रल करने के बाद आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आप ऑयल बेस्ड परफ्यूम का उपयोग करते हो तो आप इसको परफ्यूम के साथ में भी ऐड कर सकते हो, या फिर परफ्यूम ऐड करने के बाद भी आप इसको ऐड कर सकते हो। बाकी आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एंड में भी इसका उपयोग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, AOS। सबसे पहले तो भाई AOS एनियोनिक सर्फेक्टेंट होता है और इसका उपयोग खास करके डिटर्जेंट, शैम्पू और कुछ साबुन उत्पादनों में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे फॉमिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा देनी होती है। और साथ ही साथ ये एक सर्फेक्टेंट भी है, तो ये साथ ही साथ सफाई का भी काम करेगा। किस तरीके से करेगा ये चीज़ देख लेते हैं। इसके कुछ मुख्य काम है, यहाँ पे मैंने 5 मुख्य काम बता रहा हूँ, बाकी के इसके और भी काम है, लेकिन हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट में इसके 5 मुख्य काम हो रहे हैं, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ फॉमिंग, ये तो सभी को पता है AOS एक हाईली फॉमिंग एजेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फॉमिंग की पावर बढ़ा देता है। अगर आप आपके 1 kg के बेच में 5 से 10 ग्राम का उपयोग करते हो तो भाई उसमें फॉमिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, ये इमल्सिफाइंग का भी काम करता है। जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि इमल्सिफायर होता क्या है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि ऑयल सॉल्यूबल होते हैं, पानी में पूरी तरीके से डाइल्यूट नहीं होते, या फिर कोई ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑयल ही, कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो कि पानी में डाइल्यूट नहीं होते, उनकी डाइल्यूशन प्रोसेस कुछ अलग केमिकल्स में होती है। उसके बारे में आगे मैं किसी और केमिकल के बारे में जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा केमिकल है जो पानी में डाइल्यूट नहीं होता लेकिन वो दूसरे केमिकल के साथ डाइल्यूट होता है। तो ऐसे समय पे AOS एक प्रभावी इमल्सिफायर का काम कर देता है। कुछ ऐसे घटक तत्व, अगर हम हमारे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में अगर कुछ ऐसे केमिकल का उपयोग करें जो पूरी तरीके से डाइल्यूट नहीं होता, वहाँ पर अगर आप AOS का उपयोग भी करते हो तो आपका इमल्सिफाइंग का भी काम हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें सफाई की पावर भी होती है कुछ हद तक, तो अगर आप AOS का उपयोग करते हो आपके प्रोडक्ट में तो आपके प्रोडक्ट में सफाई की पावर भी हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई AOS के ऊपर निर्भर रहना है और अन्य केमिकल को साइड पर छोड़ देना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट का मतलब होता है इसमें कुछ हद तक सफाई की क्षमता भी होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये स्क्रीन फ्रेंडली है, अगर आप इसका उपयोग करते हो तो यहाँ पे स्किन में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्किन को भी यह मुलायम रखने का भी काम करेगा, स्क्रीन फ्रेंडली है। इसी वजह से इसका उपयोग शैम्पू, साबुन ऐसे उत्पादनों में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे ये स्किन को भी फ्रेंडली रखे। और साथ ही साथ ये वाटर रेजिस्टेंट का भी काम करता है। वाटर रेजिस्टेंट में कैसा होता है कि कठोर जल को, जब कठोर जल होता है हार्ड वाटर, उसमें ये अच्छा लचीलापन देता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट है ये थिकनेस पर बरकरार रहता है, ठीक है। ये इसके कुछ मुख्य काम हो गए। अब AOS लिक्विड प्रेजेंट टाइम में, जैसा मैंने शुरू में बताया, पाउडर, लिक्विड और पेस्ट तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है। तीनों की प्राइस अलग अलग होती है। ज़्यादा करके इसका उपयोग लिक्विड प्रोडक्ट में AOS लिक्विड के तौर पे और पेस्ट के तौर पे किया जाता है। वहीं अगर पाउडर मैन्युफैक्चरिंग या साबुन मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप काम करते तो वहाँ पर आपको AOS पाउडर का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पाउडर और साबुन जो मैं कहा हूँ ये डिटर्जेंट की बात की हुई है। जैसे नहाने का साबुन मिलता है, वहाँ पे आप लिक्विड का उपयोग भी कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो लिक्विड बेस पे ही होती है, सेफोनिफिकेशन प्रोसेस होती है। इस पर मैं आगे फिर कभी एक वीडियो भी बना दूंगा, सेफोनिफिकेशन क्या होता है पूरा विस्तार से मैं समझा दूंगा। अभी इसके उपयोग कौन कौन से प्रोडक्ट में आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं मुख्य 5 प्रोडक्ट में बता रहा हूँ जो कि हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट रिलेटेड है। इसके अलावा इसके उपयोग और भी कई प्रोडक्ट में होते हैं जो कि हमारे फील्ड से नहीं है, तो यहाँ पे मुख्य जो हमारे फील्ड से है मैं इसकी बात कर देता हूँ।
सबसे पहला हाई फॉर्मिंग डिटर्जेंट लिक्विड या फिर डिश वॉश लिक्विड या कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट। यहाँ पे डिटर्जेंट केवल एक डिटर्जेंट प्रोडक्ट नहीं होता, जितने भी हमारे लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं इसको डिटर्जेंट में कंबाइन किया जाता है। इसका जो मेन इसकी कैटेगरी होती है इसको डिटर्जेंट में ही कहा जाता है। फिर चाहे आपका डिश वॉश हो, चाहे फ्लोर क्लीनर हो, चाहे फिनाइल हो या फिर कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट होता है, इसका मेन कैटेगरी डिटर्जेंट होता है। तो इसका हाई फॉर्मिंग डिटर्जेंट लिक्विड मतलब कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट में अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा देना है आप इसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे इसका उपयोग हो जाएगा। उसके बाद हाई क्वालिटी शैम्पू। अब हाई क्वालिटी शैम्पू कैसे हो गया कि अगर उसमें सफाई की क्षमता भी आ जाती है AOS उपयोग करने से, साथ ही साथ इसमें फॉर्मिंग की पावर भी बढ़ जाती है, तो ये हाई क्वालिटी पर चला जाता है। और बेसिकली CAPV का उपयोग किया जाता है शैम्पू वगैरह बनाने में, वो भी एक प्रकार से सर्फेक्टेंट होता है लेकिन उसमें AOS के मुकाबले फॉर्मिंग की पावर कम होती है। तो उसके ऊपर भी मैं आगे फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने काफ़ी टाइम पहले ये सारे केमिकल पे वीडियो बनाए हुए थे, अभी फिर से इसके ऊपर एक फिर से एक सीरीज चालू कर देते हैं जिससे आपको केमिकल के बारे में पता चले। क्योंकि अगर आपको केमिकल के बारे में नहीं पता होगा तो आपको चाहे कोई भी फॉर्मुलेशन मिले उसमें जो चीज़ लिखी होगी आप उस चीज़ को ऐड करने के लिए ढूंढने पर निकल जाओगे, लेकिन सही में उसका काम क्या है, उसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके लिए ज़रूरी होता है केमिकल के बारे में सही जानकारी रखना कि कौन कौन से प्रोडक्ट में इसका उपयोग किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हो गया इसका उपयोग साबुन में। अब साबुन चाहे आपका डिटर्जेंट हो, चाहे बाथ साबुन हो, नहाने का साबुन हो, इसमें कहीं पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सफाई की पावर को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ फॉर्मिंग भी बहुत अच्छी देगा। उसके बाद बबल बाथ। नॉर्मली तो हम घरों में नहीं उपयोग करते लेकिन कुछ ऐसे 5-स्टार होटल्स होते हैं या आपने कुछ TV वगैरह में वीडियो में देखा होगा एक बाथ टब में बहुत सारे बबल हो चुके होते हैं, तो ऐसे जो बबल बाथ का जो प्रोडक्ट होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि फॉर्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके बाद हो गया लाइट ड्यूटी डिटर्जेंट लिक्विड। लाइट ड्यूटी डिटर्जेंट लिक्विड और डिटर्जेंट लिक्विड में भी कुछ डिफरेंस होते हैं, वो मैं आगे सेपरेट वीडियो बना दूंगा लाइट ड्यूटी डिटर्जेंट लिक्विड और डिटर्जेंट लिक्विड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके मुख्य 5 जो प्रोडक्ट है इसमें इसका उपयोग कर सकते हो, हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट रिलेटेड है आपके, चाहे डिश वॉश हो, डिटर्जेंट हो, फ्लोर क्लीनर या कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जिसमें आपको फॉर्मिंग की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, तो वहाँ पे आप AOS का उपयोग कर सकते हो। यह फॉर्मिंग के साथ साथ थोड़े हद तक सफाई की पावर को भी बढ़ा देगा। अगर आप शैम्पू का उपयोग उत्पादन करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। साबुन बनाने में आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आपको बबल बाथ का प्रोडक्ट बनाना है, मैं इसके ऊपर फिर कभी एक वीडियो भी बना दूंगा अगर रिक्वेस्टेड हुई कि बबल बाथ किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसके ऊपर मैं फिर कभी एक वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप बबल बाथ बनाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। लाइट ड्यूटी डिटर्जेंट लिक्विड मतलब कि कम पावर वाले जो डिटर्जेंट लिक्विड या फिर डिटर्जेंट प्रोडक्ट होते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं कम पावर वाले, लेकिन वहाँ पे हमें फॉर्मिंग की पावर को ज़्यादा देना है, तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। और बात की जाए इसका उपयोग कब करना है, देखिए मेरा बेस लिक्विड है तो मैं लिक्विड के बारे में आपको इस मैं बता देता हूँ। पाउडर में और साबुन में अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो और इसका उपयोग करना चाहते हो तो वहाँ का जो आपका टेक्नीशियन होगा वो आपको इसकी प्रोसेस समझा देगा, लेकिन लिक्विड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आप AOS का उपयोग एंड में भी कर सकते हो। न्यूट्रल हो प्रोडक्ट को अगर आप न्यूट्रल कर देते हो उसके बाद भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, बस ये आपका केमिकल जो भी है उसका pH एसिडिक या अल्कलीन रहेगा तब आप इसका उपयोग मत कीजिएगा। आपका प्रोडक्ट न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद आप इसका उपयोग कभी भी कर सकते हो, प्रोडक्ट आपका फाइनल होने तक आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप भी AOS के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हो, जैसे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ मुझसे छूट गया हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर दीजिएगा। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कोर्स सीखना हो, तो आप मुझे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हमारे जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कोर्स में आपका कोस्टिंग सेट करने का एक थियरी प्रोसेस होता है। कोस्टिंग सेट करने के थियरी प्रोसेस पे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक फॉर्मुलेशन है, उस फॉर्मुलेशन के बेस पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट आपका काफ़ी अच्छा बन रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं। ऐसे समय में ज़रूरी होता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कोस्टिंग है इस पे कोई खास इफेक्ट ना आए, तो इसके लिए हमें फॉर्मुलेशन को सेट करना सीखना पड़ता है। आपके पास कोई एक फॉर्मुलेशन हो, मान लीजिए उस फॉर्मुलेशन के बेस पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी कॉस्टिंग आ रही है फॉर एन एग्जांपल 20 रुपये या 30 रुपये कॉस्टिंग आ रही है।
अब रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तो सीधी बात है आपके मैन्युफैक्चरिंग पे 5 से 7 रुपए का इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक मटेरियल का प्राइस बढ़ने पे आपका 2 से 3 रुपए का इफेक्ट हो रहा है। अगर आप 5 से 6 मटेरियल उपयोग कर रहे हो तो एवरेज मिला के आपका 5 से 7 रुपए का इफेक्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो आपके फिर प्रॉफिट में से लॉस होना पड़ेगा आपको। तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपको फॉर्मुलेशन को सेट करना पड़ता है, जिससे आपकी कॉस्टिंग भी माइनर डिफरेंस पे हो, 1-2 रुपए की अगर कॉस्टिंग बढ़ती है तो दिक्कत नहीं होती है, और कस्टमर को 19-20 के डिफरेंस पे आप प्रोडक्ट दे भी सकते हो, उसको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस चीज़ को ज़रूरी होता है सेट करना। वो सेटिंग कैसे किया जाता है ये मैं ट्रेनिंग प्रोसेस में मैं बताता हूँ। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, इस पे स्टेप बाय स्टेप सभी के मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आपको वीडियो प्रोसेस ही होगी है, जिससे आपके फ़ोन में वीडियो भी डाउनलोड हो जाएगा और आप जब भी चाहो तभी उस वीडियो को देख के प्रोसेस कर सकते हो। साथ ही साथ कॉस्टिंग को सेट करना, कॉस्टिंग चेक करना, प्रोडक्ट जब भी आप बना रहे हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी आ रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आगे क्या प्राइस पे सेल करना है। उसके बाद पीएच का रेशियो कैसे निकाला जा सकता है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो दिया हुआ था पीएच का रेशियो निकालने का, जिसमें मैंने कॉस्टिक सोडा से पीएच का रेशियो निकालना बताया था, लेकिन उसके अलावा और भी अल्कलाइन प्रोडक्ट होते उससे आप पीएच का रेशियो भी चेक कर सकते हो। फिर हमारा डिश वॉश, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, कॉपर क्लीनर, फिनाइल कॉन्सेंट्रेट, हैंड वॉश, जैसे प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करना सीख सकते हो पूरे विस्तार से, कि कौन कौन से प्रोडक्ट में आप कितना बदलाव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो अगर आपको ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइंट करना हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है, आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो भी मुझे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।